तो वेलकम टू चैनल इसके लिए मैंने फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वोमेंस T20 एशिया कप का जो मैच करे जाएंगे बांग्लादेश वोमेन वर्सेस थाईलैंड वोमेन के बीच में, तो उसी के बारे में। मैच टाइम देख सकते हैं आज शाम 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा। जब दोनों टीम की मैच इनिंग प्रेडिक्शन की बात की जाए तो भाई बांग्लादेश थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम है एज कम्पेरिजन टू थाईलैंड वोमेन, तो यहाँ पर बांग्लादेश के फेवर में बिल्कुल टीम बना सकते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से बांग्लादेश का जीतने का चांस इस मैच में भाई 70% रहेंगे। वही अगर थाईलैंड की बात की जाए तो उनका भी यहाँ पे 30% चांस रहेंगे। स्पेशली थाईलैंड जब पहले बॉलिंग तीन के तरफ आपको 3 से 4 बॉलर्स को जोर लेके जाना इस मैच में, क्योंकि इनके पास भी काफी शानदार बॉलर है, ठीक है। वहीं पर अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो इनके पास हमेशा स्पिन बॉलिंग बहुत ही शानदार होती है। इस मैच में भाई उनका बॉलर क्या बेसिकली बहुत अच्छा पिक रहेंगे। बांग्लादेश जब पहले बॉलिंग तीन के तरफ से मेन 5 बॉलर्स को अपनी टीम में जरूर लेके जाइएगा, और एक जो इनके पास पार्ट टाइम बॉलर है उनको भी आप अपनी टीम में पिक कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनके पास टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। 6 ही खिलाड़ी आपके पास होना चाहिए इस मैच में। मैच के लिए कौन सा 11 खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे, कौन सा 2 खिलाड़ी को क्या बेसिक बनानी चाहिए, सब कुछ आपको वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए तक देखते रहिएगा। और अभी आपको वीडियो में जो टीम देखने मिलेंगे वो एक डेमो टीम रहेंगे, बाकी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक आप किसी वीडियो के फास्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उसी लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले तो दोनों टीम के एक एक मैच इसको कार्ड देख लेते जो इसी वोमेंस एशिया कप में खेल चुकी है। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच जो फास्ट मैच खेली गई थी ऊपर देखो बांग्लादेश पहले बैटिंग करते 111 रन बना पाए थे और श्रीलंका के पास ने इस मैच विन किए थे। बांग्लादेश की तरफ बैटिंग से देखो कि दिलार अख्तर एक अच्छे बैट्समैन, आप चाहो तो बैक कर सकते, इस मैच में 6 रन बनाए थे। फिर देखो इस्मा तंजिन इस मैच में डेब्यू किए थे लेकिन 0 पे आउट हुए थे। फिर देख सकते रुबा हैदरी पे 0 पर आउट हुए थे। निगार सुल्तान इस टीम का बेस्ट खिलाड़ी भाई, आप इनको गलती से ड्रॉप मत करना। बांग्लादेश में जब पहले बैटिंग तो आप इनको एक आधा टीम में जरूर कैप इसे ट्राई कर लेना। विकेट कीपिंग के साथ आपको यहाँ पर 2 डाउन बैटिंग देखो टॉप क्वालिटी बैटर है बांग्लादेश के लिए। ऋतुमोहन यहाँ पर देखो 3 रन बनाए थे, सोरी पा खातून 5 रन, राबिया खान 10 रन। फिर देख सकते स्वर्ण अख्तर 25 रन, और स्वर्ण अख्तर भाई यहाँ पर देखो हीटिंग के साथ ना आपको पार्ट टाइम बॉलिंग भी देंगे, कम से कम इस मैच में भी 2 ओवर बॉलिंग करते नजर आ जाएगी, तो ये भी आपकी टीम में होना चाहिए, लेके जाइएगा। सुल्ताना खातून 0, फिर देखो नाहिद अख्तर 4 रन। नाहिद अख्तर इस मैच में कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है बांग्लादेश की तरफ से। आइए उनके तरफ से बॉलिंग से परफॉर्म देख लेते। बॉल पर आप तरफ के लिए डिफॉल्ट पिक होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर है, स्विंग इनके पास काफी शानदार है। 3 विकेट ले सुल्ताना खातून भी इस मैच में तगड़ी पिक रहेंगे, गलती से ड्रॉप मत करना। और इस सारे खिलाड़ी को अपनी टीम में पिक करके भाई आपस में कैपेसिटी ट्राई कर लेना जीएल में। नाहिद अख्तर क्या गजब का बॉलिंग किया, तो देख सकते भाई श्रीलंका जैसे टीम के सामने भी इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देखे 3 विकेट। राबिया खान ने 3 ओवर 20 रन विकेट ले, सोरीबा खातून 2 ओवर विकेट ले, सौरभ स्वर्ण अख्तर 2 ओवर में 19 रन देखे विकेट ले। लेकिन यहाँ पर स्वर्ण अख्तर भी आपके लिए बहुत अच्छा और तगड़ी पिक रहेंगे, ठीक है, जरूर लेके जाइएगा इस मैच में। थाईलैंड और मालयसिया वुमेन के बीच में जो मैच खेले गए थे थाईलैंड पहले बैटिंग करते हुए 133 बनाए थे, मालयसिया पर चेस नहीं कर पाए थे। बॉलिंग से जब परफॉर्मेंस देखोगे तो भाई देखो शूटिंग और 4 ओवर में 1 विकेट, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बैटिंग भी देंगे, आप इनको लेके जाइएगा और इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिर देखो नाना बुस्तम ओपनिंग पर आएगी और आपको 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग, तो ये तो आपकी टीम में होना चाहिए। जब पहले बॉलिंग तो आप इनको एक आधा टीम में जरूर क्या बेसिक ट्राई कर लेना। पी माया भी एक ओवर बॉलिंग किए थे, थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेती है, ठीक है, और इस मैच में इन्होंने ठीक ठाक हिटिंग भी किए थे। बाकी देखो पुटिंग इस टीम वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी भाई, टीम का कप्तानी भी कर रही है, तो आप इनको लेके जाइएगा इस मैच में। तो 2 डाउन में बैटिंग करने के लिए आ गई थी, बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, लेकिन जब पहले बॉलिंग तो आपको एक आधा विकेट आराम से दिला के जाएगी। ओ कमलुच ये भी आपके लिए बहुत अच्छा पिक रहेंगे, जो लेके जा सकते हैं जब पहले बॉलिंग। फिर देख सकते हैं एस लामी भी 4 ओवर में 1 विकेट, ये भी अच्छे पिक रहेंगे, ठीक है। बैटिंग से जब परफॉर्मेंस देखोगे तो बुस्तम ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रही थी, 18 बनाए थे। फिर देख सकते चायन इनको सीधा सीधे ड्रॉप कर देना, 0 आउट हुई थी। नाना पॉत इस टीम का बहुत ही बढ़िया भाई खिलाड़ी है, ये भी ठीक है विकेट कीपिंग करेंगे, और आप 1 डाउन में बैटिंग तगड़ी खिलाड़ी भाई, बैटिंग से हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो आप इनको भी अपनी टीम में बैक कर सकते हैं। पुटिंग ऑन देखो 9 बनाए थे, फिर देख सकते पी माइनस 29 बनाए थे, शूटिंग ऑन 0, और यहाँ पे काइटो ने 14, और यहाँ पे देख सकते आर कराना ने 13 रन बनाए थे। पिच रिपोर्ट की बात की जाए भाई देखो रैंगरी डैम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम डैम्बुला में खेले जाएंगे, जहाँ पर आपको अच्छा खासा बैटिंग वाली पिच देखने मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए भी थोड़ा मदद रहेंगे, मेनली स्पिनर के लिए ज़्यादा मदद रहेगी इस ग्राउंड में, ठीक है, और बैटर आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। और स्पिनर दोनों टीम के पास काफ़ी ज़्यादा है, तो आप स्पिनर को भर के ले जाना इस मैच में, ठीक है। विकेट गेम सेक्शन निगार सुल्ताना फिर देखो नाना पर दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, आप दोनों को पिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो डी अख्तर भाई इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि ओपनिंग पर आएगी, सिलेक्शन देखो ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर नाना पत को मैक्सिमम लोग पिक करेंगे, लेकिन ओपोनेंट यानी बांग्लादेश के पास काफ़ी शानदार बॉलिंग ऑप्शन है, तो इनके लिए रन बनाना काफ़ी मुश्किल रहेगी। तो यहाँ पर आपके लिए दिलार अख्तर बहुत और तगड़ा पिक रहेंगे, जैसे कि पिछले मैच में भाई पाकिस्तान की तरफ से हम लोगों ने गोल फिरोजा को पिक किया था, सिलेक्शन से 12% थे और उन्होंने 50 भी मारी थी, ठीक है। तो ऐसा काम भाई इस मैच में ना दिलार अख्तर करके दे सकती है, तो आप इनको डेफिनेटली पिक कर सकते। फिलहाल निगार सुल्ताना और मैंने यहाँ पे डी अख्तर दोनों को पिक कर रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन देखो यहाँ पर ऋतुमोहन को ज़्यादा बैक कर सकते, फिर देख सकते पी माया को बैक कर सकते, एक आधो ओवर बॉलिंग कर सकती है। यहाँ पर देखो भाई आई तानजिन लास्ट मैच पे ओपनिंग 1 डाउन पे बैटिंग करने के लिए थे, और झीली की यहाँ पर आपको 1 डाउन पे बैटिंग करती नजर आएगी। तो इन दोनों में से जो भी खिलाड़ी आपको चाहिए ना पिक कर लेना, दोनों का सिलेक्शन नहीं है और आपके लिए भाई बहुत अच्छा तगड़ी पिक रहेंगे, ठीक है। सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, और दोनों में से जो भी भाई आपके लिए काम करके देगा ना वो गेम चेंजर आएगी इस मैच में। एक खिलाड़ी देखो ओपनिंग पर आएगी जो पिछले मैच में डेब्यू किए थे, और यहाँ पर आर झीली का ओपनिंग पर आ जाएगी, वो 1 डाउन पर बैटिंग करती नजर आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैंने दोस्तों सोच रहा हूँ कि इन दोनों में से किसको पिक किया जाए, चलिए मैंने यहाँ पे दोस्तों आर झीली को पिक कर लेता हूँ, क्योंकि आर झीली थोड़ा बहुत अच्छा बैटिंग कर लेती है। अगर सवाना मोस्टर खेलेंगे तो मैं इनको पिक कर लूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन नाना पूछता हूँ, फिर
देखो यहाँ पे स्वर्णा अख्तर, फिर देखो शूटिंग गॉन्ग और यहाँ पे एस अख्तर यानी सोरी पाक खातून इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अगर भाई इनमें से जो भी खेलेंगे ना उनको सीधा सीधा अपनी टीम में लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिर देखो बॉलिंग सेक्शन नाहिदा अख्तर आपके लिए डिफॉल्ट पिक, फिर देख सकते रबिया खान डिफॉल्ट पिक, सुल्ताना खान डिफॉल्ट पिक और यहाँ पे एम अख्तर भी डिफॉल्ट पिक। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने चारों बॉलिंग ऑप्शन को पिक किया बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन यहाँ पे भाई दो ऑप्शन आपको बहुत अच्छे देखने मिलेंगे यहाँ पर थाईलैंड की तरफ से। एक तो देखो कमलुच और टी पुटिंग गॉन्ग, यहाँ पर कमलुच को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन पुटिंग गॉन्ग आपके लिए भाई बहुत बड़ा गेम चेंजर आएंगे। सिलेक्शन भी देखो ठीक ठाक है तो आप इनको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ऑलराउंडर सेक्स में अगर किसी को भी ड्रॉप करना है, जैसे देखो शूटिंग गॉन्ग को ड्रॉप कर सकते, चलिए फिलहाल इनको ड्रॉप करके पिक करें तो पुटिंग गॉन्ग को, और बैटिंग सेक्शन में या फिर दोस्तों ऑलराउंडर विकेट टीम सेक्शन में देखो डी अख्तर को आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। डी अख्तर को ड्रॉप करके आप एक्स्ट्रा बॉलर लेके जा सकते हो कमलुच को, या फिर आप पिक कर सकते हैं इस्लामी को, ठीक है। फिलहाल मैंने दोस्तों पिक कर रहा हूँ यहाँ पे डी अख्तर को, लेकिन जब थाईलैंड पहले बॉलिंग करेगी तो फिर आपको डेफिनेटली टीम में चेंजेस देखने मिलेंगे। तो टॉस के अकॉर्डिंग आप लोग फाइनल टीम बनाएंगे, तो टॉस के लिए भाई आपको वेट करना पड़ेगा और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो इस मैच में बांग्लादेश की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएगा तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ पर देखो भाई मैक्सिमम लोग एन बूस्तम को कैप्टन बना चुके हैं, लेकिन मेरे टीम में दोस्त कैप्टन रहेगी भाई वो रहेगी यहाँ पर नाहिदा अख्तर, और मैं वाइस कैप्टन से यहाँ पर राबिया खान को बनाऊंगा, ठीक है। आप चाहो तो किसी भी और खिलाड़ी के साथ जा सकते हैं तो वाइस कैप्टन, जैसे यहाँ पर देखो स्वर्णा अख्तर एन बूस्तम, लेकिन मैं बोलूँगा भाई बांग्लादेश की तरफ से किसी भी बॉलर को वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वन साइडेड मैच विन करेंगे और बांग्लादेश के बॉलिंग यहाँ पर भाई आपको बहुत ही बढ़िया और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करते नजर आ जाएगी। जीएन में बांग्लादेश की तरफ से सारे बॉलर्स को भाई आपस में केमिस्ट्री ट्राई कर लेना है और एक आधा खिलाड़ी को आप जरूर रोटेशन कर लेना थाईलैंड की तरफ से। बाकी यहाँ पर दोस्तों देखो डी अख्तर की जगह आप चाहो तो झिलिक को या फिर आयतानजीम को पिक कर सकते हैं, जो मैंने ऑप्शन आपको बता दिया हूँ, ठीक है। वो देख सकते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में दोनों खिलाड़ी को पिक किया बांग्लादेश की तरफ से निगार सुल्ताना और डी अख्तर को। बैटिंग सेक्शन में देख सकते हैं आर झिली को पिक किया, आर झिली की जगह आप यहाँ पे चाहो तो भाई आई तानजीम को पिक कर सकते हैं जो ओपनिंग पर आएगी, ठीक है। बाकी देखो ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने एन बूस्तम, स्वर्णा अख्तर, शरीफा खातून, बॉलिंग सेक्शन में नाहिदा अख्तर, फिर देख सकते टी पोटिंग गॉन्ग, एम अख्तर, सुल्ताना खातून और राबिया खान को पिक किया। और देखो बांग्लादेश की तरफ से ये सबके सब भाई बेस्ट पिक रहेंगे, क्या बेसिकली मेनली पाँचों मेन बॉलर है, बाकी एक दो ओवर बॉलिंग यहाँ पर स्वर्णा अख्तर भी करेगी, ठीक है। ये छह खिलाड़ी को आपस में आप ट्राई कर लेना कैप्टन वाइस कैप्टन। तो दोस्तों इस टीम का फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाकी जो भी चेंजेस होंगे जो भी बदलाव होगा वो तो आपको हमारे टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे। पिछले मैच में दोस्तों स्मॉल लीग की टीम से हम लोग मिनी ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग भी विन किए थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर जाकर देख लो। मैंने खुद भाई बूमेलन पर स्मॉल लीग की टीम से ग्रैंड लीग विन किए थे, ठीक है। तो भाई स्मॉल लीग टीम से मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग जितना कोई आसान काम है नहीं, लेकिन आपका भाई आपको हमेशा करके देते हैं। तो अगर आपको भी फ्री में ऐसा विनिंग चाहिए तो फिर देर किस बात की मेरे भाई, जल्दी से आ जाइए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि कल से ही आपको भाई देखने को मिलेंगे द 100 मेन एंड वोमेन, वो मैं पूरा सीरीज कवर करूंगा, ठीक है। और आप लोग लाखों में विनिंग करोगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।